Welcome to Inside Tax. Here we will learn about the power transmission elements and control system. Last videos में हमने जाना था कि power transmission system की requirements क्या है. Mainly AC transmissions जो रहती है उसमें main elements power substation and power lines रहती है. तो अभी आगे हम देखेंगे कि पावर सबस्टेशंस में क्या क्या होता है. सबस्टेशन, तो सबस्टेशन क्या है? सबस्टेशन एक पावर को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में ट्रांसफर करता है. जैसे कि हमने आगे वीडियोस में देखा था कि जनरेशन जो होती है वो लो वोल्टेज पे होती है और पावर ट्रांसमिशन हमें हाई वोल्टेज पे करना पड़ता है. तो जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन रहेगा वहाँ लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में पावर ट्रांसफर होगा, तो वो सबस्टेशन लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज करेगा. और जहाँ पे लोड होता है वहाँ पे सबस्टेशन जो रहेगा वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में पावर को कन्वर्ट करेगा. अभी हम देखेंगे कि जो सबस्टेशन है वो एक नोड की तरह काम करता है पूरे ग्रिड में. जैसे कि एक जगह है जहाँ पे सारी लाइंस आती है और वहाँ से वोल्टेज कन्वर्ट होकर लाइन बाहर निकलती है, तो वो एक जंक्शन की तरह काम करता है. सबस्टेशन में बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि ब्रेकर, सीटी, पीटी, आइसोलेटर, एलए, ट्रांसफार्मर, सीसी, सीवीटी, वेव ट्रैप, कंट्रोल पैनल, बैटरी चार्जर, बैटरी सेट, कैरियर पैनल और बहुत से इक्विपमेंट्स. अभी हम एक के बाद एक सारे इक्विपमेंट्स को जानेंगे और उसका काम क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है सबस्टेशन में वो जानेंगे. किसी भी सबस्टेशन को जानने के लिए हमें उसका डायग्राम जानना जरूरी होता है. तो जो सबस्टेशन का डायग्राम होता है उसे सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं. जैसे ये यहाँ पे शो कर रहा है जो ग्रीन लाइन है वो सारी HV पार्ट ऑफ सबस्टेशन है और जो ब्लू लाइन है वो सारी LV पार्ट ऑफ सबस्टेशन है और बीच में ट्रांसफॉर्मर्स दिए गए हैं जो HV वोल्टेज से LV वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम का पार्ट लिया है जिसमें कौन से इक्विपमेंट किस तरह से दिखाए गए हैं वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे. तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे LA है, अर्थ ब्लेड है, आइसोलेटर है, ब्रेकर है, CT है और फिर दूसरा आइसोलेटर है. उसके बाद सबस्टेशन का बस रहेगा. अभी हम आगे एक के बाद एक जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर. लाइटनिंग अरेस्टर जैसे कि उसका नाम है वो लाइटनिंग को अरेस्ट करता है. यहाँ पे उसका सिंबल दिया गया है जो SLD में था. अभी लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है? तो लाइटनिंग अरेस्टर हाई वोल्टेज सर्ज जो आते हैं उसको एब्सॉर्ब करता है, तो उससे हमारी पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन होता है. अब लाइटनिंग अरेस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है कि जब भी हाई वोल्टेज होता है तो उसको वो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और उसको ग्राउंड कर देता है, जबकि अपना वर्किंग वोल्टेज जो होता है उस पर वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. और जो जो भी चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना है उसकी दोनों साइड आप लाइटनिंग अरेस्टर रखोगे तो बीच का जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोटेक्ट रहेगा. जैसे कि हमारा पूरा सबस्टेशन और कभी कभी ट्रांसफार्मर के आसपास हम लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड्स करते हैं. लाइटनिंग अरेस्टर कैसा दिखता है? तो लाइटनिंग अरेस्टर इस तरह से दिखता है. आप सबस्टेशन में जाओगे तो आपको ये चीज देख के पता चलेगा कि ये लाइटनिंग अरेस्टर है.
नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है आइसोलेटर। यहाँ पे आइसोलेटर के सिंबल दिया गया है, और आइसोलेटर को अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो हमारे घर में जो एक प्लग होता है वो प्लग की तरह होता है, कि प्लग को अगर हमने सॉकेट से बाहर कर दिया यानी कि अपना इक्विपमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से अलग हो गया। वैसे ही किसी भी अपने इक्विपमेंट को सिस्टम पावर सिस्टम से अलग करने के लिए वहाँ पे आइसोलेटर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे फोटोग्राफ्स में एक आइसोलेटर दिखाया गया है, वहाँ पे तीन हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स है जिससे वो किसी भी इक्विपमेंट को सिस्टम से आइसोलेट करते हैं, और तीन वर्टिकल ब्लेड्स है जो किसी भी इक्विपमेंट को अर्थ करती है, यानी कि वो इक्विपमेंट उसके बाद काम करने के लिए सेफ है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, जिसका सिंबल इस तरह से है। और सर्किट ब्रेकर को अगर हम देखें तो वो एक स्विच की तरह काम करेगा। हमारे घर में जो स्विच होती है वो एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर है। तो सबस्टेशन में जब होता है तो वहाँ पे हाई वोल्टेजेस होते हैं, तो उसके लिए वो बड़ी स्विच लगानी पड़ती है। और हमारे घर की जो स्विच है उसका डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी कि जो उसमें जब हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तब वहाँ पे स्पार्क होता है, उसको नलीफाई करने के लिए वहाँ पे एयर होती है। लेकिन जो सबस्टेशन में हाई वोल्टेज पे जो ब्रेकर्स स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं तो उसमें जो स्पार्किंग होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसके लिए बहुत से डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रखते हैं, जैसे कि प्रेशराइज्ड एयर है, ऑयल है, वैक्यूम है, या फिर एसेप्टिक गैस होता है। और सबस्टेशन में जो स्विचेस होते हैं, ये ब्रेकर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते हैं, जैसे कि अगर कोई फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट वो सेंस होगा और ब्रेकर अपने आप ओपन हो जाएगा। ब्रेकर के फोटोज दिए हैं, इस तरफ है वो 66 के भी ब्रेकर है SF6 वाला, और ये दूसरा फोटो है उसमें एयर सर्किट ब्रेकर है जिसमें प्रेशराइज्ड एयर होती है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है CT, करंट ट्रांसफार्मर, ये उसका सिंबल है और ये उसका स्ट्रक्चर है। कैसे होती है CT? तो जैसे उसका नाम है करंट ट्रांसफार्मर, वो करंट को ट्रांसफॉर्म करती है। CT का यूज क्या होता है? तो CT का यूज सबस्टेशन में मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। CT का जो इनपुट है वो रिलेज में जाता है और रिलेज प्रोटेक्टिव डिवाइस को ऑपरेट करते हैं। जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं उनका रेशियो लाइक 100 एम्पियर बाय 1 एम्पियर, 300 एम्पियर बाय 1 एम्पियर, 600 एम्पियर बाय 1 एम्पियर, 1200 एम्पियर बाय 1 एम्पियर, उस तरह से होता है। तो वो ऐसे दिखाता है कि जब प्राइमरी करंट यानी कि हमारा HV करंट जो है वो 100 एम्पियर पास होगा, तब CT का सेकेंडरी में 1 एम्पियर पास होगा, और वो 1 एम्पियर से हम देखते हैं कि हाँ जो HV में करंट पास हो रहा है वो 100 एम्पियर है। ये एक करंट ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, इस तरह से होता है, और अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग साइज का करंट ट्रांसफार्मर रहता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है PT, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसका सिंबल इस तरह से है, और जैसे कि हमने CT में देखा था कि वो करंट का मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही
जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज का मेजरमेंट करती है और प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो जो पीटी का इनपुट्स है वो एनर्जी मीटर या तो प्रोटेक्टिव रिलेज में होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 11 केवी बाय रूट 3 ऑब्लिक 1110 बाय रूट 3 इस तरह से रेशियो होता है। तो जैसे सेकेंडरी वोल्टेज है वो 1110 वोल्ट बाय रूट 3 जितना रहेगा। तो इसमें जैसे कि प्राइमरी वोल्टेज है वो 132 केवी है तो सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे एक पीटी की फोटो दिखाई गई है। तो अलग अलग वोल्टेज लेवल पे अलग अलग डिजाइन्स में पीटीज होती है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर, द मेन पावर ट्रांसफार्मर। तो जैसे हमने आगे देखा था कि एक करंट का ट्रांसफॉर्म करते हो करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करते हो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और अभी पावर को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पावर ट्रांसफार्मर। इसमें वोल्टेज और करंट दोनों ट्रांसफॉर्म होता है एक साथ, ये उसकी सिंबल है। भी पावर ट्रांसफार्मर क्या है तो उसमें दो वाइंडिंग्स होती है, एक एचवी वाइंडिंग एक एलवी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हमने एक आगे वाले वीडियो में देखा था कि वोल्टेज और करंट दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार है पावर के लिए, कि करंट ज्यादा तो वोल्टेज कम, वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम। तो यानी यहाँ ट्रांसफार्मर में भी ऐसा ही होगा कि एचवी वोल्टेज में वोल्टेज ज्यादा रहेगा एम्पियर कम रहेंगे, और जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन एलवी में होगा लो वोल्टेज में तो वोल्टेज उससे कम होगा लेकिन करंट बढ़ेगा, यानी कि पावर दोनों साइड सेम रहेगी। तो उसे बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में एक साइड 132 केवी है तो दूसरी साइड 66 केवी होता है। तो उसी तरह हर साइड के अलग अलग ट्रांसफार्मर्स होते हैं। जैसे हमने सबस्टेशंस में देखा था कि कितने टाइप्स के सबस्टेशन होते हैं। और ये जो फोटो है वो पावर ट्रांसफार्मर की फोटो है। ये एक 10 MVA या 15 MVA ट्रांसफार्मर है, लेकिन अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग MVA कैपेसिटीज के ट्रांसफार्मर रहते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो है वो है वेव ट्रैप। अभी हमने पहले जो भी इक्विपमेंट्स देखे वो पावर ट्रांसमिशन के लिए जरूरी है, और अभी दो इक्विपमेंट ऐसे आएंगे जैसे कि वेव ट्रैप और CVT या CC, तो उसका इस्तेमाल कैरियर कम्युनिकेशन के लिए और लाइन का प्रोटेक्शन उसके लिए यूज होता है। तो वेव ट्रैप जो होता है वो सबस्टेशन में LA के बाद सबस्टेशन की ओर रहता है। वेव ट्रैप जो होते हैं उसको ज्यादातर लाइन ट्रैप भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि जो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है पावर फ्रीक्वेंसी उसको अलाउ करती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसे अपोज करते हैं। और ये चीज़ जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये कैरियर कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज होता है। अभी जो CC है वो हम देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से कंप्लाई करते हैं। यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है जो राउंड टाइप है उसे वेव ट्रैप बोलते हैं, जो सिलेंडर टाइप है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर CVT या तो कपलिंग कैपेसिटर CC। अभी जैसे हमने आगे देखा वेव ट्रैप जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को अपोज करता है। तो सेम उसके उल्टा जो CC या CVT है वो हाई फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करती है और लो फ्रीक्वेंसी को अपोज करता है। तो
जो हाई फ्रीक्वेंसी पावर लाइंस में आ रही है उसको कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर एब्जॉर्ब करके वो कैरियर पैनल की ओर भेज देगा, तो उससे अपना कैरियर प्रोटेक्शन काम करेगा और कैरियर सिग्नल्स उससे काम करेंगे। जो सीसी आता है वो भी एग्जिट एलए के बाद में सबस्टेशन की ओर रहता है। सीसी का फोटो यहाँ पे दिखाया गया है, सीसी और सीवीटी। तो सीवीटी का एक दूसरा काम है कि वो, जैसे हमने पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर देखा था कि वो वोल्टेज को कन्वर्ट करता था, वैसे ही सीवीटी भी वोल्टेज को कन्वर्ट करती है। वो भी वोल्टेज को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो अभी हमने ये आउटडोर इक्विपमेंट्स देख लिए हैं सबस्टेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम सबस्टेशन के इंडोर इक्विपमेंट्स जो कंट्रोल रूम के अंदर रहते हैं वो सारे देखेंगे। देन काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो।